एक वक्त था जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे लोगों की पढ़ाई मानी जाती थी जो आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, लेकिन झारखंड की सरकार ने अब ऐसे मिथ को तोड़ दिया है। झारखंड सरकार की एक योजना है आकांक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत गरीब घर के बच्चे अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही एडवोकेट बनने का सपना भी देख रहे हैं और सहयोगी बनी है झारखंड की सरकार। तो आइए देखते हैं झारखंड सरकार के बढ़ते कदम। एडवोकेट बनने का सपना अपने आप में एक बड़ा सपना होता है। अच्छी बात यह है कि झारखंड के गरीब बच्चे जो दूर दराज के जिलों में रहते हैं, जिनके लिए शहर किसी उत्सव से कम नहीं, वैसे बच्चे अब एडवोकेट बनने का सपना देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, आकांक्षा के क्लासेज में कैसे बच्चे एडवोकेट बनने का ख्वाब पाल रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के गरीब परिवार के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके, इसी सोच के साथ झारखंड सरकार ने आकांक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के जरिए 11वीं और 12वीं के बच्चे अपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग की निशुल्क कोचिंग हासिल कर रहे हैं। आकांक्षा बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए है। आकांक्षा एक ऐसा निशुल्क प्लेटफॉर्म सरकार दी है, वैसे बच्चों को अग्रसारित कर रही है कि बच्चे यहाँ अच्छा परफॉर्म करें। सरकार एक सिस्टम दिए है और सरकार जो सिस्टम दिए उसमें दो एग्ज़ाम लेती है, उस दोनों एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे यहाँ पास करके आते हैं और उनका आकांक्षा में एडमिशन होता है। और बच्चे यहाँ पे कुछ क्लैट के बच्चे रहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे रहते हैं, कुछ मेडिकल के बच्चे रहते हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं। सरकार का बहुत ही अच्छा सा एक यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, बच्चे का रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ है और अच्छे अच्छे यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, कुछ मेडिकल के फैकल्टीज़ हैं, इंजीनियरिंग के फैकल्टीज़ हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चे हैं। वैसे बच्चे जो डॉक्टर और इंजीनियर या फिर लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उनके सपनों पर रोड़ा बन रही है, यानी प्रतिभा तो है लेकिन पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ले सकते, वैसे बच्चों के लिए झारखंड की आकांक्षा योजना वरदान साबित हो रही है। झारखंड सरकार ऐसे बच्चों को न सिर्फ मुफ्त कोचिंग देती है बल्कि उनके रहने खाने से लेकर पढ़ने के लिए किताब कॉपी की भी व्यवस्था की जाती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आकांक्षा आवासीय कोचिंग में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा आयोजित करता है, जिसके बाद चयनित बच्चों को रांची के जिला स्कूल स्थित आकांक्षा केंद्र में कोचिंग दी जाती है। यहाँ पे दरअसल जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो यहाँ उनको 2 साल का एक प्रोग्राम होता है। जैसे अगर आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो बच्चे वो 10th पास आउट करके यहाँ पे एक एग्ज़ाम देते हैं, जैसे 2 एग्ज़ाम पास करेंगे वो यहाँ पे इनरोल होंगे, उनका जब मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो बच्चे 2 साल हमारे यहाँ रहेंगे, वो प्रिपरेशन करेंगे क्लैट का, उनका रहना खाना सारा यहाँ निःशुल्क है, सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ के फैकल्टीज़ भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पे उन लोगों को रहने का प्रबंध किया गया है और अच्छे से उनकी यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। आकांक्षा सेंटर में मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ क्लैट की तैयारी भी कराई जाती है। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत
50 बच्चों को कॉमन लॉ एडमिशन परीक्षा टेस्ट यानी क्लैट की तैयारी कराई जाती है। बेहतरीन फैकल्टी के मार्गदर्शन में बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। रहूं कि जब से आकांक्षा शुरू हुई है तब से मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं अभी वो जो शहर के बच्चे रह रहे हैं अर्बन एरिया में उनको वो कम्पीट कर जा रहे हैं। ऐसा लगता है हमें कि आकांक्षा का जो अभी एक रिदम है ये धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और रुझान लोगों में और बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आकांक्षा के बारे में लोग जानने लगे और आकांक्षा में जितने भी फैकल्टी हैं नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से यहाँ पे क्लास देते हैं। और जो बाहर के जो बच्चे हैं जो मार्केट में अच्छे अच्छे फैमिली के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो यहाँ के बच्चे उनको अच्छा से मात दे रहे हैं। मतलब अगर कहा जाए तो यहाँ के बच्चे एक गरीब परिवार से होकर के आ करके और यहाँ जी जान मेहनत करके जिनके अच्छे फैमिली के बच्चे हैं उनको अच्छा से टक्कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के एक सराहनीय कदम है इस कदम को सरकार को और मुझे लगता है कि और बेहतर प्रयास यहाँ के शिक्षक कर रहे हैं और सरकार का जो एक पहल है उस पे यहाँ पे सब खरा उतर रहे हैं। आकांक्षा योजना की शुरुआत में 40 बच्चों को इंजीनियरिंग बैच के लिए और 40 बच्चों का चयन मेडिकल के लिए हुआ था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर मेडिकल के लिए 75, इंजीनियरिंग के लिए 100 कर दिया गया है। वहीं कैट के लिए 50 बच्चों का चयन किया जाता है। आकांक्षा कार्यक्रम के लिए बच्चों के चयन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है। बिल्कुल, जब बच्चे आते हैं तो उस वक्त में देखिए वो रूरल परिवेश से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होता है और बहुत ही कमज़ोर भी होते हैं। तो जब यहाँ 6 माह 7 माह जब स्टडी करते हैं तो वो एक रिदम में आ जाते हैं। अब उसे लगता है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं और यहाँ के टीचर काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं बच्चे के प्रति और तब जा कर के बच्चे एक उस पोजीशन में आ पाते हैं ताकि उस परिवेश के बच्चों को भी वो मात दे देते हैं और यहाँ के बच्चे फिर अच्छे कर जाते हैं और रिजल्ट भी अभी अच्छे आ रहे हैं आकांक्षा के। झारखंड सरकार की आकांक्षा पर बच्चे भी खरे उतर रहे हैं, सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कोचिंग लेने वाले छात्र भी आगे बढ़ रहे हैं। आकांक्षा से कोचिंग प्राप्त करने वाले कई बच्चों का चयन JEE एडवांस, IIIT, BIT और एम्स में हो चुका है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। मेडिकल की पढ़ाई करने का मतलब होता है अपने आप को MBBS छात्र के रूप में स्थापित कर लेना। झारखंड के कई ऐसे जिलों में गांव हैं जहां पर मैट्रिक के बाद पढ़ाई करना उस गांव में एक उत्सव जैसा होता है। लोग अचंभित हो जाते हैं कि अमुक का बेटा मैट्रिक के बाद भी पढ़ाई कर रहा है। अब वैसे ही जिलों के बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं आकांक्षा के क्लास में और उनके सामने मौजूद होते हैं प्रतिभाशाली शिक्षक। मेडिकल की पढ़ाई का क्या है हुनर और क्या है बच्चों का ख्वाब, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड सरकार की आकांक्षा योजना से बच्चों के सपने उड़ान भर रहे हैं। मौजूदा गठबंधन सरकार के दौरान इस योजना पर बेहतरीन काम हुआ है। बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार की संजीदगी का नतीजा है कि आकांक्षा कोचिंग के लिए आज न सिर्फ अपनी बिल्डिंग है बल्कि छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था भी है। एक दो साल बाद धीरे 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 ये इतना अच्छा राइज करने लगा और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह दिखा और रोलो भी रिजल्ट एक के बाद देते चले गए। और जैसे जैसे आपको IIT और मेडिकल में ये लोग अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें तो गवर्नमेंट का भी दिल बड़ा हुआ उसमें और वो लोग भी फंड बढ़ाते चले गए। अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है कि ये 2 साल पहले ये यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी जो किसी काम के लायक नहीं थी, उस बिल्डिंग को तोड़ के ये आकांक्षा को एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे एक सेपरेट बिल्डिंग दिया गया वहाँ पर और बोला गया इसी में काम करना है। तो उसमें
पहले साल में क्या हुआ, लड़कियां बरियातों में रहती थी तो उनको एक बस दिया गया, बस से वो आना जाना करना शुरू की, मगर उसमें भी एक दो घंटा वेस्ट होता था टाइम, तो तुरंत फिर जो है जो अभी इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो आए थे यहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि इतना परेशानी है तो बगल में भी मैदान खाली है वहाँ पर भी एक बिल्डिंग बना दिया जाए, और विद इन वन ईयर वो बिल्डिंग को तैयार भी कर दिया उन्होंने। तो एक तरफ बॉयज़ का हॉस्टल हो गया और ऊपर में गर्ल्स का हॉस्टल हो गया, और नीचे का एक और ऊपर वाले में चार पांच छह क्लासरूम तैयार हो गया। लाइब्रेरी भी काफ़ी बढ़िया बड़ा सा स्पेस निकाल दिया गया जो बच्चे आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, यानी माहौल ऐसा बनाया गया कि बच्चा का अगर पढ़ने वाला है तो नहीं होने का सवाल ही नहीं होता वहाँ पर। और टीचर्स भी जो गवर्नमेंट अपॉइंट किए हैं वो ऐसे ऐसे टीचर्स को उठाएं जो रांची में बहुत फेमस है, जो इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथ्स में हो या बायोलॉजी में हो। अभी दो साल पहले क्लैट भी शुरू किया गया है, तो क्लैट में भी जो शुभम सर हैं वो क्लैट के अपने ज़माने के टॉपर हैं, उनको उठाया गया वहाँ पर। तो सारे टॉपर टीचर्स को उठाया गया वहाँ पर जो खुद अपनी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो अच्छा काम किया, अनुभव बहुत बड़ा बड़ा है, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 22 साल एक्सपीरियंस है। तो आकांक्षा ऐसा नहीं कि मतलब छोटे पैमाने में चालू किया गया, टीचर्स भी उनको बेस्ट क्वालिटी का दिया गया है, बस बच्चों का काम सिर्फ इतना ही रहता उनको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए फिर उनको दोपहर से रात तक का टाइम दिया था, सुबह में रोज़ इन लोग का क्लास रहता है और हर वीक इन लोग का टेस्ट रहता है, कभी कभी ऑल्टरनेट वीक होता है। उससे क्या है बच्चे काफ़ी तैयार होते जाते हैं और हर हफ्ते उनको एक प्रेशर रहता है, और ये लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। गाँव के बच्चे क्या होते हैं, सीधे होते हैं, टीचर्स का बात सुनते हैं, बाहर के प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स के बहुत सारा बात सुनते नहीं है, तो कई बार रिजल्ट काफ़ी डाउन हो जाता है, मगर यहाँ के बच्चे ओबे करते हैं। आप खड़ा करके इनको बोलिएगा 3 घंटे खड़े होकर पढ़ना है तो खड़े होकर भी पढ़ लेंगे, लाइट चला गया अंधेरे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों में इतना हार्ड वर्क करने का जज्बा है कि वो रिजल्ट दिखता है फिर सरकार को भी, और सरकार पर धीरे धीरे प्रोविजन बढ़ाता। देखिए अभी स्मार्ट बोर्ड भी आ गया, तो अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं और आसानी हो गया यहाँ पर। आकांक्षा कोचिंग के लिए सभी तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, मुफ्त आवास और भोजन के अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए भी कोचिंग दी जाती है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। बच्चे एक्चुअली जैक बोर्ड के होते हैं जो कि प्योर हिंदी मीडियम के होते हैं, इनको हमारी बातें समझने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हम लोग क्या है बाहर में कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, अपना अपना कोचिंग सेंटर भी खोल के रखे हैं, और वहाँ श्यामली DPS जो टॉप स्कूल रांची के हैं उसका क्राउड हम लोग के पास आता है, जो कि ICSE बोर्ड, लोरेटो कॉन्वेंट, सेक्रेड हार्ट, बड़े बड़े स्कूल से जो काफ़ी तैयार काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं, 97-99% CBSE ICSE में लाइव होते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाने का हम लोग को आदत रहता है। अब ये लोग जो है ट्रांसलेट करते रहते हैं यहाँ पर हिंदी को इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में, तो 1-1.5 महीना तो समय लगता है इन लोग के साथ, टाइम जो हम लोग स्पेंड जब करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक इंग्लिश का भी एक स्पेशल फैकल्टी रखा गया है जो काफ़ी खुश मिजाज और हंसाते हुए बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश कैसे समझना है उसको सिखाते रहते हैं वहाँ पर। तो 1-1.5 महीना काफ़ी परेशानी होता है बच्चों को समझाने में, मगर 1.5-2 महीने के बाद जो बाहर के बच्चे हैं वही सेम बुक्स, वही सेम लेवल, इनफैक्ट उनसे बेटर होते चले जाते हैं टाइम के साथ। तो कहते हैं लोग मतलब कि मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है, हिंदी मीडियम के हैं तो क्या हुआ, मगर फिर भी ये लोग काफ़ी जोश और काफ़ी अपने मेहनत से काम को अंजाम दे ही देते हैं, मगर समय लेते हैं। शुरू का 2 महीना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को, मगर टाइम के साथ धीरे 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 बहुत डेवलप हो जाते हैं। आकांक्षा कार्यक्रम में चयन के लिए सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि बच्चे झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आकांक्षा योजना से कोचिंग करना चाहते हैं उन्हें मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान ही ये बताना पड़ता है कि वो आकांक्षा की परीक्षा में शामिल होंगे। फिर आकांक्षा कार्यक्रम में चयन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा लेता है। एक सीट के मुकाबले परीक्षा में 3 बच्चों को सफल घोषित किया जाता है, जिसके बाद आकांक्षा की टीम फाइनल चयन करती है, यानी बच्चों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। बच्चे भी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। सरकार की कोशिश और बच्चों की मेहनत का नतीजा यह है कि आकांक्षा के कई बच्चों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं।
मोटा मोटी हर बच्चा MBBS तो नहीं निकालता है, कुछ BDS भी में जाता है, कुछ एग्रीकल्चर में जाता है, कुछ फार्मा में जाता है, मगर सारे बच्चे अच्छे अच्छे फील्ड में चले जाते हैं। जो सपना देख के बच्चे आते हैं कि हमको कहीं पर नौकरी हो जाना चाहिए, उस तरह से प्रोग्रेस दिखता है कि मतलब ठीक है, सारा बच्चा मेडिकल में नहीं गया तो उसमें कुछ बच्चा डेंटल में चला गया, कुछ फार्मा में चला गया, कुछ एग्रीकल्चर में चला गया, मगर सेट सब हो जाता है। वही हाल इंजीनियरिंग का है, सब बच्चा IIT एडवांस नहीं निकालता है, कुछ बच्चा JEE मेंस निकालता है, कुछ स्टेट का कॉलेज जैसे BIT मिश्रा है, BIT सिंदरी है, वहाँ चला गया और वहाँ अच्छा कर रहा है, और अच्छा ही नहीं कर रहा है वहाँ पर भी अच्छा कर रहा है। मतलब उस जब MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो वहाँ पर भी, जैसे लास्ट ईयर आप देखिए पेपर में आया था, काफ़ी बड़े पैकेज में 80 लाख प्लस में जो है आकांक्षा का बच्चा भी पैकेज उठाया था, तो वो इशारा कर रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बिल्डिंग के नीचे, यहाँ से जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर भी वो अपना दबदबा दिखाता है। रीज़न बस एक ही है, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आकांक्षा योजना का संचालन किया जाता है। आकांक्षा सेंटर में 7 से 9 घंटे बच्चों के क्लास लिए जाते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है। झारखंड की ये योजना रंग ला रही है। आज गरीब परिवार के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। आकांक्षा में मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, क्लैट की तैयारी कराई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ इंजीनियरिंग के क्लास में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूर दराज के बच्चे तमाम क्वेश्चंस के आंसर को रातों दिन 24 घंटे के भीतर सॉल्व कर लेना चाहते हैं। ख्वाब सिर्फ यह कि अपने आप को इंजीनियर के रूप में स्थापित कर सकें। कैसे होती आकांक्षा की पढ़ाई, कैसे शिक्षक समझाते हैं बच्चों को, हमने एक क्लासरूम का जायजा लिया, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के जिला स्कूल परिसर में आकांक्षा के उस क्लास में, जहां पर गांव देहात के बच्चे, दूर दराज के बच्चे, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा जैसे जिले के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा माहौल आपको किसी निजी संस्थान के कोचिंग में दिखाई पड़ेगा, और शिक्षक के पढ़ाने का तरीका मैं ऐसा देख पा रहा हूँ जैसे इको फ्रेंडली कोई चीज़ें होती है, बिल्कुल तरह तरह से समझाकर, ऐसे जैसे क्लास के छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। बिल्कुल क्लास रूम के इस ब्लैक बोर्ड पर आप नज़र डालेंगे, हालांकि ये अब सब कुछ स्मार्ट बोर्ड माना जाता है, सब कुछ तरीके से बताया जाता है। सर आप आ जाएँ प्लीज़, आपको मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई, बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बच्चे शायद किसी सौभाग्यशाली अपने आप को मानते होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हम रांची में 2005 से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का तरीका तो एक्सपीरियंस से आता है, और बाकी बच्चे लोग अच्छे हैं इसलिए सब समझ जाते हैं। ये समझाने का एक ऐसा तरीका है जो इन बच्चों के जेहन में शायद सेट कर गया होगा। मैं बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, ये तमाम ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के रहने वाले हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं गरीब परिवार का नहीं बोलूँगा, असुविधा के बीच रहने वाले परिवार हैं। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। कहाँ से आए अंशु आप? धनबाद से। घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि आपका जो सपना है वो पूरा होगा? यस सर, हम लोग अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि हम लोग ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आकांक्षा नहीं होता तो हम लोग कभी ऐसे पढ़ नहीं पाते। कहीं और पढ़ते हम लोग तो वहाँ पे कम से कम 5 लाख नहीं तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता। यहाँ पे सरकार हम लोग के लिए फ्री का हर चीज़ सुविधा उपलब्ध करवाए, इतने अच्छे सर दिए। क्या कहना चाहोगी इस आकांक्षा को? सर बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छे से होती है, सब कुछ मतलब अच्छे से। आप जब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने सपना देखा था अपने आगे बढ़ने का, आकांक्षा उस सपने को पूरा कर रहा है? यस सर, यस सर। कर रहा है। yes, क्या सपना देखा था? इंजीनियरिंग बनने का। इंजीनियरिंग का। लग रहा है कि उस सपने में सहायक बना आकांक्षा? यस सर। लड़कियां हैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा। दीपक जी क्या कहना चाहोगे? मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मैं
अपने गांव में पढ़ाई करता तो मुझे शायद बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाता, लेकिन यहां आने के बाद मुझे थोड़े सा बेटर फैकल्टी मिले और अच्छा गाइडलाइंस मिल रहा है और फ्री में भी बुक उस प्रोवाइड किए जाते हैं थोड़ा झारखंड सरकार की ओर से बस। और ये हमें दिखाने की कोशिश की आकांक्षा के बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आकांक्षा के तमाम बच्चों ने जो सपना देखा था उन सपनों में ऐसे शिक्षक और राज्य सरकार सहयोगी बनेंगे। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। आकांक्षा के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, साथ में उन्हें भोजन की भी व्यवस्था दी जाती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का भोजन और इन सब के बीच वह सब कुछ जिससे आकांक्षाओं की छात्राओं और छात्रों की सेहत अच्छी रहे। क्या कुछ मिलता है भोजन में, हमने टटोलने की कोशिश की और साथ में यह भी जानने की कोशिश की कि क्या इस भोजन से बच्चे खुश हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। राज्य सरकार की योजनाओं में वह सब कुछ शामिल है जिससे झारखंड के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आकांक्षा के इस पूरे कवरेज के दौरान अब मैं वहां पर आ चुका हूं जहां पर बच्चों की सेहत का खासा ध्यान रखा जाता है। तमाम हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं छात्रों को पौष्टिक आहार भी इस आकांक्षा की तैयारी के माध्यम से दी जाती है। देखेंगे खाने में वह सब कुछ मौजूद है जो एक स्वस्थ बच्ची को सब कुछ चाहिए। चावल है, दाल है, सब्जी है, चना मटर का सब्जी है और उसके बाद मछली भी है। कैसी है भोजन की थाली? अब दिख ही रही है सामने। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। कैसा है भोजन का स्वाद? बहुत अच्छा है। अच्छा है भोजन। कैसा लगता है यहाँ का भोजन? बहुत फ्रेश है, एक नंबर है खाना। खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों लोग का, सब लोग का हेल्थ को देखते हुए खाना को बनाया जाता है। रोज कितने बजे क्लास शुरू होता है? रोज सुबह 7 बजे से क्लास हो जाती है, फिर 8:30 बजे क्लास खत्म होके ब्रेकफास्ट मिलता है। फिर शाम में भी ब्रेकफास्ट मिलता है और रात भी 8 बजे तक खाना हो जाता है। और मुझे लगता है कि सरकार की ये योजना ऐसे लोगों के लिए वरदान है जिसने सपने में कभी इंजीनियर बनने का सोचा था लेकिन पैसों का अभाव परिवार में बाधा बन जाता है, लेकिन आकांक्षा अब ऐसे सपनों को उड़ान दे रहा है। एक ऐसी उड़ान जिसमें बच्चे पंख लगाकर आकाश की तरफ असीमित दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। आकांक्षा कार्यक्रम कितना ज्यादा हिट है इसे वही समझ सकता है जिसने परीक्षा पास की और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले लिया। हमने इसी मुद्दे पर एक्सपर्ट से बातचीत की, आइए सुनते हैं। आज की तारीख में यदि आकांक्षा फल फूल रहा है, आकांक्षा के बच्चे बेहतर कर रहे हैं, तो उसमें एक शख्स का बहुत ही महती योगदान है। उस शख्स का नाम है वीके सिंह। कई बार ये चर्चा हुई थी कि पता नहीं आकांक्षा का भविष्य क्या होगा, लेकिन वीके सिंह ने इस आकांक्षा को न सिर्फ ऑक्सीजन दिया बल्कि कैसे यह जीवित रहे, बच्चों के ख्वाब कैसे पूरे हों, इसका उन्हें खाका भी खींचा। वीके सिंह आकांक्षा के कोऑर्डिनेटर हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आपको बहुत बधाई न्यूज 11 से बातचीत के लिए। जी जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आकांक्षा है क्या? झारखंड सरकार का एक ये मैंने महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो कि नीडी हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट हैं, वैसे बच्चों के लिए एक सरकार ने एक प्रोजेक्ट चालू किया है जिसका नाम आकांक्षा हुआ और ये आकांक्षा 2016-17 में स्थापित किया गया। माना जाए कि जो बच्चे आ रहे हैं उनमें हुनर है। बिल्कुल उनमें हुनर है और हमने दिखाया भी है, रिजल्ट भी आपके सामने है। पिछले 2016 से अभी तक आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से कितने बच्चे निकले।
100 प्लस अभी तक इंजीनियरिंग एनआईटी में पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि 25 प्लस बच्चे आईटी में पढ़ रहे हैं और मोटा मोटी 20 से 25 बच्चे लोग जो कि नामी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में। और आपका ऑल ओवर इंडिया में लगभग हम लोग का सब जगह इस सरकारी स्कूल का बच्चा, इस प्रोजेक्ट से निकला हुआ बच्चा अभी वो झंडा गाड़े हुए है और अपना परचम लहराया है। जब आप वहाँ जाते हैं क्या बच्चों की आंखों में देख पाते हैं आप? बच्चे लोग बहुत आशा से आते हैं और हम लोग जैसे अपने बच्चे को देखते हैं उसी टाइप से हमारे सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं। और जब से मैं इस प्रोजेक्ट में जुटा और इस प्रोजेक्ट से देखा कि हम बोले कि टैलेंट की कमी नहीं है सरकारी स्कूल में। सर हम पहले भी हम समझते हैं कि 1993-94 से हम पढ़ा रहे हैं, हम मेरा अपना जहां ये मेरा अपना आईटी मेडिकल स्टडी सेंटर चलता है और वहां से सैकड़ों बच्चों को हम इंजीनियर डॉक्टर बनाए हैं। लेकिन ये सरकार के साथ जब जुटे तो कुछ एक अलग मतलब कि मंशा है कि कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा करके दिखाएं। और बच्चों के आंख में देखते हैं कि उसको बहुत आशा भरी नजरों से देखता है कि सर ये प्रॉब्लम है। झारखंड का कितना बड़ा योगदान मानते हैं? सर ये झारखंड सरकार का ही बड़ा योगदान है, ये सर लोग का, ये हमारे सचिव सर का और हमारे डायरेक्टर सर का ही डायरेक्शन से ये चलता है। हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो साहब का भी मन में था कि हर हालत में स्वर्गीय हो गए बेचारे, वो बराबर बोलते थे कि आकांक्षा में उन्हीं का उद्घाटन किया हुआ, भवन का उद्घाटन भी सर ही ने किया था, तो उनके मन में भी था और बराबर हमको बोलते भी थे कि तुम काम करो, कहीं दिक्कत होगा तो बताना। और सर के यहाँ जब भी जाते थे तो बराबर मतलब कि वो ये सपोर्ट करते थे। सुविधाएं बढ़ी सर मौजूदा सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल, मौजूदा सरकार में है। हमारे विभागीय सचिव बहुत मतलब अच्छे हैं, एक दिन हम मिले तो बोले कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप काम कीजिए। लेकिन सर का कहना है कि ये रिजल्ट हम खुश नहीं हैं, हमको और अच्छा से अच्छा रिजल्ट दिए। मतलब सर क्वालिटी बढ़ाइए, अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे पूरे झारखंड में, अगर अभी जैसे 30,000 बच्चे लेते हैं भाग, 1,00,000 तक पहुंचाइए तो आने वाले दिन में हम और अच्छा रिजल्ट देंगे सर। चलिए, थे हमारे साथ वीके सिंह, आकांक्षा प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर। खुश हैं इस बात से कि ऐसे बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं जिन बच्चों ने कभी सपना नहीं देखा होगा कि वो रांची में आकर मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, एडवोकेट बनने का सपना देखेंगे। ये इंसानियत है, मानवता है और ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आकांक्षा झारखंड के गरीब बच्चों का कोटा भी है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सी क्लैट की पढ़ाई ऐसे लोगों की पढ़ाई मानी जाती थी जो आर्थिक रूप से संपन्न होते थे। लेकिन झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षा ने इस मिथ को खत्म कर दिया। अब ऐसे ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं जिनके घरों में दोनों शाम का खाना तक नहीं बनता। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे बुद्धिजीवी बातचीत के लिए मौजूद हैं जो नीट की परीक्षा को, मेडिकल की परीक्षा को, क्लैट की परीक्षा को नजदीक से देखते हैं। नाम है इनका विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी के ये अध्यक्ष भी हैं। विकास जी, सबसे पहला सवाल यही कि जो आकांक्षा कार्यक्रम है सरकार का, किस रूप में आप देखते हैं, चूंकि एजुकेशन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका? सर, मैं इस योजना को रांची और झारखंड की सबसे सफलतम शैक्षणिक योजना के रूप में देखता हूँ और विगत लगभग एक दशक से योजनाएं चल रही हैं और कई चीजें हैं यहाँ पे। इसमें मैं देख रहा हूँ दो तीन पहलू बड़े स्ट्रांग है। सबसे पहले प्रशासनिक स्तर पे बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, दूसरी शैक्षणिक स्तर पर बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है और मैं वीके सिंह सर को पर्सनली भी जानता हूं और उनके निर्देशन में एकेडमिक कोऑर्डिनेशन चल रहा है और सरकार के जो पदाधिकारी हैं आईएएस लेवल से लेकर के जो आपके अन्य पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं सभी को भूमिका है। इसकी खासियत क्या है ना, निरंतरता। एक काम को एक साल करना आसान है, दो साल करना तो कठिन, लगातार हो रहा है। दूसरी खासियत जो मैंने देखा है रांची के सिटीजन के नाते, मैंने अखबार में भी देखा है कि बच्चे जेई मेन क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे एडवांस कर रहे हैं। एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो सामान्य परिस्थिति में बिना सरकारी सहयोग के वो कभी भी अच्छी कोचिंग को प्राप्त नहीं कर सकता, आकांक्षा प्रोजेक्ट से उन्हें ये सुविधा मिली है और कई बच्चे यहाँ से पास करके आईटीज में दाखिला नहीं किए हैं जबकि वो जाकर के अच्छे कैरियर में सेटल हो गए हैं। ये सपना साकार सरकार ने किया है यहाँ के बुद्धिजीवियों और एकेडमिक्स को लेकर के और प्रशासनिक मदद से। बच्चों के लिए एक ऐसी सुविधा है जो एक रामबाण काम कर रही है और हर साल अच्छे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में सफल हो रहे हैं। हमारे साथ एजुकेशन के क्षेत्र में
एक व्यापक ज्ञान रखने वाले साइकोपैथी सोसाइटी के अध्यक्ष विकास कुमार, कॉलेजें कैसे चलती हैं, कोचिंग क्लास कैसे चलते हैं, कहाँ कितना पैसा लिया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर ये नज़र रखते हैं। और इन सब के बीच आकांक्षा पर भी इनकी नज़र है, आकांक्षा बेहतर कर रहा है तो विकास कुमार के दिल में खुशी भी दिख रहा है। करवन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।